हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? 21 मार्च 2023 शाम 4 बजे का डेली जीके क्विज का सेशन लेकर मैं हिमांशु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो ये है सिरेटा सीएस। सिरेटा सीएस जो है ये जियोलॉजिकल इरा है, न्यूएस्ट एरा है सिरेटा सीएस, याद रखिएगा सिरेटा सीएस। वह पौधा जिससे कोको और चॉकलेट प्राप्त होते हैं वो है श्रब। आंसर जो है इसका करेक्ट है बी, श्रब। सबसे बड़ा एक कोशी के जीव कौन है? तो वह है एमीबा। एमीबा प्रोटियस आकार में 250 से 750 माइक्रोन के होते हैं। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ये है जेसी बॉस। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। यह समान रूप से विकास करने वाला एक उपकरण है। फोरामोन मैग्रम में पाया जाने वाला छिद्र है यह है स्कल। फोरामोन मैग्रम मानव और अन्य विभिन्न जानवरों में स्कल की ऑक्सीपटल हड्डी में पाया जाने वाला एक बड़ा अंडाकार खोल है। यह स्कल के आधार पर कई अंडाकार या परिपत्र छेदों में से एक है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो वो है मीर जाफर। नवाब की सेना के उस समय के सेनापति मीर जाफर से धोखा खाने पर सिराज 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हार गए। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी और उन्हें बंगाल के नवाब बनाने का वादा किया था। कैल्प है, कैल्प क्या है? सी वीड रिच इन आयोडीन कंटेंट। आयोडीन का एक प्राकृतिक स्रोत है समुद्री कैल्प, जो समुद्र के पानी से खनिज को अवशोषित करता है। 1700 के दशक में आयोडीन के स्रोत के रूप में समुद्री घास कैल्प की खोज के कारण गोइटर या बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि के उपचार में वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित में विषम वस्तु का पता लगाइए, बासाल्ट, रूबी, एमराल्ड, सफायर। तो ये है आपका करेक्ट आंसर बासाल्ट। रूबी, एमराल्ड, सफायर ये स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स। सूर्य का प्रकाश हम तक लगभग पहुंचता है? तो ये 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो 8 प्रकाश मिनट की दूरी के बराबर है। 1 प्रकाश मिनट 17 किलोमीटर के बराबर है। दूर होने के कारण सूर्य का प्रकाश हम तक तुरंत नहीं पहुंच पाता। इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 987 मिनट 547 सेकेंड का समय लगता है। रडार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटरगाड़ी आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तनों का भी पता चल जाता है। कैसा लगा आपको 21 मार्च 2023 इसका ये छोटा सा सेशन, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह 8 बजे का करंट अफेयर का सेशन देखना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।